घर ग्रस्त में रहता एक व्यक्ति बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था सब कुछ था पैसे नौकरी आज्ञाकारी बच्चे पत्नी मित्र संबंधी ऐसा कुछ नहीं था जिसकी कमी थी फिर भी जब जब किसी सत्संग में जाकर बैठता था तो अंदर एक खाली सा छा जाता था बार बार सत्संग के शब्द कानों पर पड़ते थे परमात्मा खोज मोक्ष निर्वाण मुक्ति संन्यास और जब जब घर आकर टीवी चैनल्स खोलता था तो वही सब बातें दोहराई जाती थी यहाँ का आश्रम वहाँ का आश्रम प्रवचन सुनते रहता था और प्रवचन सुनते सुनते उस व्यक्ति के मन में वैराग भाव प्रकट हुआ और वो वैराग धीरे धीरे बढ़ता गया संसार की सभी वस्तुएं चीजें व्यर्थ दिखाई देने लगी वो जो कुछ करता था वो सब कुछ अर्थहीन दिखाई देने लगा और एक दिन वो निर्णय कर लेता है कि मुझे इस संसार का त्याग करना है और सन्यास लेना है और वो व्यक्ति घर पर अपनी ये बात जैसे ही बताता है भयंकर विरोध होता है मित्र उसे समझाते हैं बच्चे समझते हैं पता नहीं क्या हो गया बुढ़ापे में माता पिता भी समझाते हैं कि क्यों जा रहा है आखिर क्या चाहिए पत्नी भी समझाती है पर वो कहता है कि ये संसार मोह माया है चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो पत्नी कहती है नहीं मेरे लिए तो यही संसार है बच्चे और ये घर उसे हंसी आती है मूर्ख अज्ञानी स्त्री धन्य हो तेरा और वैरागी मन को जितना भी रोको वैराग और दृढ़ होता है और बढ़ता है आखिरकार सभी कोशिशें व्यर्थ हुई और वो निकल पड़ा कई जगह गया बनारस गया हरिद्वार गया ऋषिकेश गया भिन्न भिन्न स्थानों पर गया पर वहाँ जाकर उसे नई बात पता चली कि जिस आश्रमों में रहना पड़ता है वहां पर खुद का खर्चा खुद करना पड़ता है वो तो अच्छा था वो अपना एटीएम कार्ड साथ में लेके आया था कहानी लेटेस्ट है आश्रमों पर रुका वहाँ की किताबें बेची नियमों का पालन किया पर भोजन खुद का खुद गुरुओं की आज्ञा मानी कई आश्रम बदले और कहीं कहीं पर उसने देखा वो आश्रम केवल नाम के है वो वास्तव में राजनीतिक संगठन थे अंदर कुछ बाहर कुछ राम कथाएं सुनी पर देखा कि जो सुना रहे हैं उनके बोल में और उनके कर्म में अंतर है और उसने देखा कि यहाँ भी वही झूठ है यहाँ वही पाखंड है और फिर वो सोचता है अच्छा हुआ कि दूर हिमालय में चला जाऊं क्योंकि उसकी प्यास ईश्वर को पाने की थी और वो यहाँ देखता है ईश्वर ये लक्ष्य तो भूल ही गया है लोग आश्रमों में रहते हैं परंतु कुछ और और कर रहे हैं तपस्या तो खो गई है तपस्या जो करनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है तपस्या के नाम पर प्रचार और प्रसार मात्र हो रहा है हिमालय पर जाता है और हिमालय के एक आश्रम में रुकने लगता है भव्य आश्रम है असंख्य सन्यासी है छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक वहां रहने लगता है अपना भोजन खुद बनाता है खाता है और एक दिन वहाँ एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी संन्यास लेने वहाँ आया हुआ है उसे देखकर उसे आश्चर्य होता है उस बच्चे से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए वो बच्चा रोने लगता है कहता है मेरी माँ मर गई मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ गए मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है पर यहाँ मुझे कोई जाने नहीं देते यहाँ सब लोग बातें करते ईश्वर ईश्वर की परंतु मुझे कुछ समझ नहीं आता है मुझे वापस घर जाना है उस व्यक्ति को आश्चर्य लगता है ये क्या चल रहा है एक युवा होता है ब्रह्मचारी उस ब्रह्मचारी को देखकर कर यह व्यक्ति पूछता है कि तुम इस उम्र में इतना त्याग इतनी प्यास परमात्मा को पाने की तुम संसार छोड़कर यहां आ गए जंगलों में इस पहाड़ों पर वो युवा कहता है कि आप शादीशुदा हो वो कहते हैं हाँ वो कहता है मैंने सुना है स्त्री नरक का द्वार है पर मुझे अनुभव करना था शादी की बड़ी तीव्र कामना है पर परिस्थितियां ऐसी आई कि सन्यास लेना पड़ा और यहां सन्यासी बन गया पर अवसर मिला तो जरूर लौट जाऊंगा उस आश्रम के जो मुख्य है साठ वर्ष उनकी उम्र प्रकांड पंडित है ज्ञानी है वेद उपनिषद कंठ है उनसे वो पूछता है आपका क्या अनुभव है आप कैसे सन्यासी बने वो कहता है पत्नी जो थी उसने धोखा दिया वैराग आ गया इसलिए यहां पढ़ा हूं और फिर धीरे धीरे आश्रम खोला और इतना बड़ा बन गया है वो जो गृहस्थी होता है वो सोचता है यहाँ मुझे भगवान मिलने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ तो ये यह लोग ही भटके हुए हैं वो वहाँ से निकल कर कहीं और जाता है देखता है ऊंची पहाड़ी पर कोई एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है कोई एक योगी कोई एक सन्यासी उसके पास जाकर बैठता है और कहता है मैं क्या करूँ मुझे भगवान को पाना है वो बूढ़ा सन्यासी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो कहता है यहाँ नहीं रहूँ तो कहाँ जाऊँ जंगलों में आश्रमों में तो भगवान मिलते हैं वो हंसने लगता है कहता है तुमको किसने कहा ये सब क्या वो यहां नहीं मिलता है व्यक्ति पूछता है कहता है बिल्कुल नहीं फिर कहा मिलता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो फिर वो कहता है मैं तो बचपन से ही घर से भाग गया था किसी आश्रम में रहा और वहां पर गुरुओं की सेवा की बाद में गुरु चले गए मुझे छोड़ गए अब मैं अकेला रहता हूँ और अकेले रहने की आदत सी पड़ गई है और मौन में रहता हूँ नीचे गांव में जाता हूँ भिक्षा मांगता हूँ थोड़ी बहुत सेवा करता हूँ फिर चुपचाप अपनी साधना करता हूँ मंत्र जाप करता हूँ वो व्यक्ति पूछता है पर मैं क्या करूँ फिर जहां देखता हूँ वहां पर ढोंग और आडम्बर और दिखावा और ढकोसलापन है सत्य क्या है सत्य को कैसे ढूंढू वो बूढ़ा योगी कहता है सत्य यहां नहीं है और जिसे तुम वैराग कह रहे हो वो वैराग भी नहीं है जाओ जाकर वहीं रहो जहां रहते हो परंतु ऐसे रहो जैसे उस संसार में होते हुए भी संसार में नहीं हो व्यक्ति वस्तु स्त्री आए और चली जाए तुम अलिप्त रहो यहां रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा किसी को छोड़कर किसी चीज को वस्तु को छोड़कर वैराग नहीं धारण किया जा सकता है वैराग का संबंध त्याग से कम है समझ से है ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया ये छोड़, ये नहीं खाते वो नहीं खाते ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते ये वैराग नहीं है वैराग का संबंध जागरण से है वैराग का संबंध समझ से है वैराग अर्थात वो जो महल में भी खंडर को देख वैराग अर्थात कुछ त्यागना नहीं वैराग अर्थात अंदर जो गंदगी है अंदर जो कचरा है उसके प्रति विद्रोह जो अनावश्यक है जो पाप का बोध लाता है जो पश्चाताप लाता है जो दुख और पीड़ादायी है उस दुख को उखाड़ कर फेंक देना अर्थात वैराग चीजों को छोड़ना वैराग नहीं है समझ अर्थात वैराग जो चीज बार बार दुख दे रही है जो संबंध दुख का कारण बना हुआ है जो वासना जो इच्छा जो तृष्णा सभी अपेक्षाओं का अंत होना अर्थात वैराग का उदय होना इसका कहीं जाने से कुछ छोड़ने से कोई भी संबंध नहीं है परिपूर्ण जागरण संपूर्ण जागरण अर्थात वैराग सुबह की अव्यक्तवाणी वैराग अर्थात किनारों को छोड़ना स्थान को छोड़ना वैराग नहीं वस्तुओं को छोड़ना वैराग नहीं व्यक्तियों को छोड़ना वैराग नहीं शहर को छोड़कर जंगल जाना वैराग नहीं किनारों को छोड़ना क्योंकि किनारों को क्या कर दिया गया है अपना क्या बना रखा है सहारा किनारे छूटते जाए मुरली में बाबा ने कहा किनारों की लिस्ट अगली बार बताएंगे और क्या अगली बार बताएंगे और एक चीज है जो अगली बार बताएंगे खेल बच्चे क्या क्या खेल करते हैं वो अगली बार बताएंगे और किनारे कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट अगली बार तो इंतजार करते रहोगे उसके लिए या खुद निकालोगे खुद निकालना है तो भट्टी का आज आरंभ भी समझो और लक्ष्य मिल चुका है वैराग किनारों को छोड़ देना कौन से किनारे छोड़ने हैं अगले तीन दिन अपने ही अंतर मन में प्रवेश किस संबंध ने पकड़ रखा है किस वासना ने पकड़ रखा है किस एडिक्शन किस व्यसन ने पकड़ रखा है कौन सा संस्कार कौन सी गलती कौन सी कमी कौन सा भारीपन कौन सा दुख और कौन सी उदासी कौन सा कंफ्यूजन क्या है ऐसा काम बड़ा है तो मन को शांत कर दो और एक छोटे बालक की तरह बन जाओ एक साधक की तरह समर्पण भाव तो आज सुबह की व्यक्तवाणी कौन किससे मिल रहा है हुँ? सुनी है या पढ़ी है या दोनों ही नहीं किया है हुँ? सुनी है कि पढ़ी है सुनी भी है और पढ़ी भी है केवल सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा मुरली में ही है आज करना होगा इसमें पहले मैं माया के वश होने में पहले मैं नहीं तो पूरी मुरली तपस्या पर है इस तपस्या की हम आज के इस सत्र में मुरली के आधार से सोलह बिंदु देखेंगे तपस्या अर्थात सबसे पहला तपस्वी वो जो स्नेह के पुष्प अर्पित करे बाबा ने कौन सा दृश्य देखा आते ही ऐसा दृश्य जो और कोई देख नहीं सकता ऐसा दृश्य जो केवल बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं सबसे प्रथम दृश्य है कि आत्माओं के हृदय से क्या निकल रहा है स्नेह के पुष्प अर्पित हो रहे स्नेह के पुष्पों की वर्षा तो अगले तीन दिन यह अभ्यास बहुत अच्छा है कि जहां मैं मधुबन में घूम रहा हूं चल रहा हूं मुझ पर क्या हो रही है स्नेह के पुष्पों की वर्षा कौन डाल रहा है ऊपर से भगवान कितना सुहावना दृश्य है और कितनी सूक्ष्म और सुखद अनुभूति है जहां मैं चल रहा हूं वहां स्नेह के पुष्प देखो गिर रहे क्या ऐसे करके देखो यहाँ कुछ होंगे पंकुड़ी देख लो एक बार है ना है मुझ पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है बाबा कह रहे हैं बच्चे स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे ये दृश्य बाबा ने देखा और हम क्या अनुभव करेंगे वो कर रहा है और यहां बैठे बैठे वहां का दृश्य इमर्ज करो अपने लौकिक घर लौ सेवा केंद्र कार्यस्थान और अमृत वेला कल देखना मैं वहां हूं वहां के कार्य करते हुए यहां से देखना और सभी कार्य करते हुए क्या हो रहा है वहां पर मुझ पर मुरली सुन रहा हूँ सुना रही हूं कोर्स कर रहे करा रहे जो कार्य वहाँ है गाड़ी चलाना ट्रैफिक ऑफिस सब कुछ करते हुए वहाँ पर मुझ पर क्या हो रहा है स्नेह की पुष्पों की वर्षा किसी मुरली में बाबा ने कहा था रेन्स ऑफ गोल्डन फ्लावर्स कौन से पुष्प सुनहरे स्वर्णिम स्वर्ण फूल पर किस पर होगी यह भी एक प्रश्न है सब पर हम्म पार्टियों से मुलाकात श्रीमत पर चलने में जो आदि करेंगे उन पर आदि स्थान से आए हो आदि रतन बनो स्थिति में तो जिनकी स्थिति आदि रत्नों जैसे होगी उन पर क्या होगी वर्षा पर अनुभव तो अभी से चालू कर देना अगले तीन दिन दिन रात ही अनुभव करना है डे एंड नाइट उठो तो बिस्तर पर देखना ये फूल किसने डाले बार 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 सतत 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 निरंतर पकड़ लो इसको कि वर्षा हो रही है वर्षा हो रही है वर्षा हो रही है वर्षा हो रही है, है। तपस्वी अर्थात जो अपने हृदय के हृदय के पुष्पों से बाप पर स्नेह की वर्षा करे और उस पर हो यह हमारा अभ्यास तपस्वी अर्थात दूसरा जिसके मन से कौन सा गीत बजे कौन सा साज मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा धुन लग जाए अगले तीन दिनों के लिए जब करते हैं ना वैसे गीत गाते रहने अंदर ही अंदर 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 टाइम मिला तो चालू कर दो मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा। स्थूल में और मन में कहने मात्र से ही समीपता का अनुभव होगा तपस्वी अर्थात हृदय से एक गीत बजे दूसरी निशानी तीसरी तपस्वी आत्मा अर्थात तपस्या अर्थात दीप जले कौन सा कौन सा सुनी है ना सुबह सुनी थी उसके बाद पता नहीं कितनी बातें हो गई <laughs> कौन से दीप ये मिलन जो है उसकी आशाओं के दीप अर्थात निरंतर मिलन हो रहा है वो और मैं अकेले अलग अलग ही नहीं माई फादर एंड आई आर वन माई फादर एंड आई आर वन वो और मैं एक हूं या फिर तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो देख लो एक बार बाजू में बैठा तो नहीं है या तो पीछे होगा कहीं या तो सामने पर है आते नजर नहीं पर है भगवान देखने की चीज नहीं अनुभव करने की चीज है ऐसा भक्ति में कहते तो तीसरा अभ्यास दीप जला रहे मिलन का दीप शुभाशाओं का दीप निरंतर मिलन हो रहा है वैराग की एक परिभाषा यह है दूसरो पर जो बुद्धि टिकी हुई है वहां से वो हट जाए अर्थात वैराग एक फ्रांस का फिलोसोफर कहता है अदर इज हेल अदर इज हेल अपनी बुद्धि को दूसरों से हटा दो चौथा तपस्वी आत्मा अर्थात कहां बैठी है वो बाबा ने क्या कहा ये तख्त कैसा है मेरा विशाल जो भगवान के दिल तख्त पर निरंतर बैठी है वो है तपस्वी आत्मा तो क्या अनुभव करेंगे मैं कहां बैठा हूं कहां बैठी हूं कौन से सोफे पर कौन से तख्त पर कौन सी सीट पर ताऊसी तक दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है हमारे तख्त पर वो बैठा है पर बाप के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है एक अव्यक्त वाणी थी 2010 की जिसमें बाबा ने शुरुआत में ही पूछा था कि भगवान के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है उत्तर था बाबा का जिसने बाप को अपने दिल तख्त पर बिठाया है वही बैठ सकता है और भगवान का जो दिल तख्त है कैसा है बहुत प्योर बहुत ज्यादा पवित्र जिसमें जितनी प्योरिटी की पावर होगी वही उस तख्त पर बैठ सकते हैं बाकी सब पिसल जाएंगे क्योंकि बहुत स्लीपर ही है और जिसकी पवित्रता अप डाउन अप डाउन होती रहती है जिसका ब्रह्मचर्य हिलते रहता है डुलते रहता है वो कभी तख्त कभी नीचे फिर और ऊपर फिर नीचे और जो निरंतर अखंड प्योरिटी में स्थित होते हैं सुबह भी दोपहर में भी शाम को भी सोते समय भी और नींद में भी कहीं पर भी किसी संकल्प में किसी स्वप्न में कोई देह आकर्षित नहीं करता मिट्टी के पुतले दिखाई देते हैं जिसके बीच आत्मा चमक रही है अपने ही शरीर से कहां मोह तो दूसरों के शरीर से कहां से रहेगा तो चौथा तपस्या अर्थात निरंतर भगवान के दिल तख्त पर बैठना याद रखना सारे पॉइंट्स फिर से पूछेंगे लास्ट में और जिन्होंने आज की मुरली नहीं पढ़ी है इस क्लास के तुरंत बाद बिना मुरली पढ़े सोना मना है जो पॉइंट्स बता रहे वो उस वास्तव में है या नहीं कंफर्म भी कर लेना ना तो ये चार पांचवा फिर बाबा ने फिर बच्चे बाबा से बातें कर रहे उ दे रहे हैं परंतु बाप फिर भी पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता बने किस लिए सेवाओं के लिए परंतु आज अव्यक्त से व्यक्त हुए तो यदि बाप से प्यार है तो तुम्हें क्या करना है व्यक्त से अव्यक्त बनना यह है स्नेह का रिटर्न बाप अव्यक्त क्यों बने आप समान बनाने के लिए तो पांचवा तपस्वी अर्थात ब्रह्मा बाप समान जो व्यक्त से अव्यक्त बने और अव्यक्त बनने के लिए दो काम करने हैं जो भट्टी में आए हैं तीसरा है वो बाद में बताएंगे पहला क्लास के तुरंत बाद जिस जिस से बातें करनी है कर लो और मोबाइल स्विच ऑफ कब खुलेगा भट्टी का जब लास्ट सेशन होगा उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगले तीन दिन हमारे शरीर को स्पर्श ना करे ठीक है बड़ा भारी काम है है पर तीन ही तो दिन के लिए आए हैं और बहुत कुछ लेकर जाना है जो प्रशासन में है जिन्हें प्रबंध करना है उनकी बात अलग वो एक दो लोग वो बहने बट बाकी सभी जिस जिस से बात करनी है कर लो बाकी संसार से कनेक्शन कट ऑफ नो कॉन्टैक्ट किसी से भी नहीं दूसरा काम आपस में बातचीत बंद कोई शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस नहीं जब बोला जाएगा यहां आकर शेयर करो उस दिन शेयर करना लास्ट तब तक कुछ नहीं बोलते बोलते तपस्या नहीं होती है हाँ जो केवल मनोरंजन के लिए आए हैं जो केवल घूमने के लिए आए हैं उनके लिए ठीक है जो करना है करो पर हाँ यदि कोई दूसरा गंभीर साधक यदि तपस्या कर रहा है और गंभीरता से कर रहा है तो उसकी तपस्या बोलकर भंग नहीं करनी है कम से कम ये पुण्य तो करो ये बड़ा काम है चुप जितना हो सके मौन बिना मौन के कोई तपस्या नहीं हो सकती खाना खा रहे थोड़ा बोलना पड़े धीमी आवाज में और कम पर लक्ष्य रखो हंड्रेड परसेंट मौन का तो कहाँ थे हम पांचवा अव्यक्त अर्थात व्यक्त नहीं बोलना व्यक्त भाव है छठवा मुरली में बाबा ने कहा बेहद तपस्या का मुख्य आधार या मुख्य साधन है बेहद का वैराग और वैराग की परिभाषा आज की मुरली से किनारे छोड़ना तो कल सारे दिन भर ये काम करना है मेरे जीवन में मैंने कौन से किनारे पकड़ रखे वो किनारा व्यक्ति हो सकता है वस्तु हो सकता है वैभव पैसा कोई याद कोई भोग कोई वासना कोई इच्छा कोई तृष्णा कोई अपेक्षा कोई एक्सपेक्टेशन कोई एम्बिशन कुछ भी हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना है उस बात को आइडेंटिफाई करना है जो मेरे और भगवान के बीच है वैराग अर्थात वो हर बात को उखड़ कर फेंक देना जो उसके और मेरे बीच आ रही है तो छठवा तपस्वी आत्मा कैसी होगी आंख कहीं ना डूबे सारी वस्तुएं संसार की देखते हुए ऐसे देखो कि जैसे आ रही है और जा रही है अनित्य था उसके बाद सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा पांचवा थे तपस्या अर्थात एक का बनना अर्थात एक नामी तपस्या अर्थात एक काग्र तपस्या अर्थात एक रिथिति तपस्या अर्थात एकांत प्रिय तपस्या अर्थात इकोनॉमी ये पांच बातें मुख्य परिभाषा दी है तपस्या की जब जब पांच उंगलियों को देखो एक एक पॉइंट याद करना। हाथ को देखते ही ये पांच बातें याद आए पहला एक का बनना और जो एक का बना है फिर वो किसी और का नहीं हो सकता मन और शरीर एक को दिया है एक का दूसरा एक का ग्र एकाग्रता तभी आती है जब हम फोकस हो जाते हैं। सुबह सुना रहे थे बाबा ने एक बार शिव बाबा ने एक बार प्रोग्राम दिया था कुछ भाइयों को मधुबन में तीन चार भाई जगदीश भाई थे ओम प्रकाश भाई थे और एक दो भाई थे तीन दिन का तीन दिन एक ही कमरे में रहना तीन दिन मौन आपस में भी किसी से बात नहीं करना तीन दिन फलाहार और तीन दिन परमधाम शिव बाबा को याद करते रहना ये तीन दिन का प्रोग्राम कभी दिया था भाइयों को बाबा ने और ऐसे छोटी छोटी भट्टियाँ कंटिन्यूस होती रहती थी शुरुआत में तब सेवा इतनी नहीं थी तो नॉनस्टॉप स्टॉप अभी सेवाओं का विस्तार बहुत है परंतु उस विस्तार में से भी अभी समय मिला है यह तीन दिन का तो जितना हो सके गंभीरता से साधना करनी है यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है इससे बात करो उससे बात करो इधर मिलू उधर मिलू मधुबन में आया है तो ढेर सारे काम करके जाऊं तपस्या तो रह जाएगी और यहां से जब जाएंगे तो केवल याद रहेगी बहुत अच्छी पट्टी हुई थी सब मिले थे बहुत खुशी हुई थी बस परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन बड़ी गहरी साधना है तो ये पांच बात है एक रस एकाग्र मन बुद्धि फिर एक रस स्थिति तीन दिन का भी अगर मन को एकाग्र करने का अभ्यास और एक रस रखने का अभ्यास करो तो यह अभ्यास कई दिन चलेगा तीन दिन यदि कर लिया तो कई दिन चलेगा जहां जहां संसार में मन जाए वापस उधर लाओ इसको इस मधुबन के कैंपस से जितना हो सके बाहर कहीं नहीं जाना है कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं बाबा पहाड़ी वो अलग बात है पर इधर उधर घूमने के लिए व्यर्थ से में कहीं नहीं जाना है कैद कर दो अपने आप को सेल्फ इंड्यूस्ड क्वारंटीन इकोनॉमी इकोनॉमी अर्थात खजाने व्यर्थ न गवाना और सबसे बड़ा खजाना कौन सा है समय और बोल तो अगले तीन दिन के लिए यहां पर लॉक लगा दो जब तक यह बंद नहीं होगा वर्बल डायरिया तब तक मन का मौन भी नहीं होगा मन का मौन आगे की स्टेज है एक नौमी, एक रस एकाग्र एक नॉमी एक नामी एक, एक और पांचवा एकांत अगले तीन दिन सोचो कि मेरे अतिरिक्त यहां और कोई भी नहीं है सन्नाटा और जितना हो सके डाउनकास्ट आइस आइस नीचे आंखें जहां जाती है एनर्जी वहां फ्लो करती है जिस जिसको जहां जहां आंखें जाती है वहां क्या होती है ऊर्जा भागती है वेरेवर आईज गोज एनर्जी फ्लोज इसलिए जितना हो सके इधर उधर देखते नहीं बैठना ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है चुपचाप साधना। कितनी बातें हो गई ग्यारह बारह बाबा ने कहा शक्तियां तुम्हारा अधिकार है तुम सब शक्तियां लो यथाशक्ति नहीं सर्वशक्तिवान हो जितनी चाहे उतनी शक्तियां बाप से ले लो अधिकार है तो सारे योग के प्रयोग प्रयोग में क्या करना है कि मुझ में शक्तियाँ आ रही है मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ ये अभ्यास केवल यहाँ और मेडिटेशन में बैठते समय नहीं चलते फिरते कुटिया में जा रहे शांति स्तंभ पर जा रहे जहाँ जा रहे हैं फूलों की वर्षा हो रही है और मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ मेरी शक्तियां बढ़ रही है मेरा संयम बढ़ रहा है मेरा ब्रह्मचर्य बढ़ रहा है मेरी पवित्रता बढ़ रही है मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं आज तो बाबा ने मास्टर भी नहीं लगाया डायरेक्ट कहा कि तुम सर्वशक्तिवान हो तुम सर्वशक्तिवान हो ट्वेल्थ पॉइंट और उसमें यह भी कहा अपना प्रोग्राम बना प्रोग्राम है इसलिए कर रहे हो या दिल के उमंग से कर रहे हो यहाँ आए हैं जबरदस्ती उठना पड़ता है करना पड़ता है नहीं तो टीचर बहन जी हमारी प्रेजेंट एबसेंट लगा देगी दिल से कर रहे हो या प्रोग्राम है इसलिए कर रहे हो दिल से <laughs> यह भी प्रश्न पूछा है मुरली कोई कह रहा है इसलिए नहीं भट्टी करने के लिए आना पड़ता है अर्थात जीवन में भट्टी नहीं हो रही है सतत भट्टी होती रहे भट्टी वो घटना नहीं है जिसकी शुरुआत और अंत हो भट्टी अर्थात सतत निरंतर चालू ही है हमेशा तो ट्वेल्थ थर्टींथ दादियों से मुलाकात क्या कहा इष्ट और अष्ट समय प्रमाण परिस्थितियों प्रमाण जो शक्तियां मिली है उनका क्या करना है कार्य में लगाना है उनको यूज करना है शक्तियां बहुत है वैसे तो आठ शक्तियां भी नहीं शक्ति एक ही है वैसे तो जैसे करंट कितना होता है एक ही होता है ना पर वही करंट जब फैन से बहता है तो पंखा घूमता है और हवा मिलती है वही करंट जब लाइट में जाता है तो प्रकाश परंतु जब लाइट चाहिए तो फैन काम नहीं करेगा और जब हवा चाहिए तो लाइट ऑन कर दो तो शक्ति एक ही है ईश्वरीय शक्ति नाम अलग अलग दिए गए समेटने की समाल जो भी शक्ति है सारी सुबह सुबह अमृत वेला शक्तियां ले लेनी अष्ट और इष्ट आठों शक्तियों की अनंत धाराएं मुझ में आ रही है मैं इष्ट हूं मैं अष्ट हूं अष्ट भुजाधारी कौन हूं दुर्गा तो ये भी एक अच्छा अभ्यास है अगले तीन दिनों के लिए माताओं के लिए कैसे चलेंगे चार इधर और चार इधर मैं कौन हूं दुर्गा।, दुर्गा कौन सी दुर्गा अष्ट शक्तियों बाबा ने किसी को कभी पूछा तब बच्चे नींद आई उसने कहा हाँ बाबा आई कैसी नींद आई बाबा बहुत अच्छी नींद आई बाबा ने कहा अच्छा मेरे भक्त तो उधर मुझे पुकार रहे हैं क्या उनकी दुख की पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती तुम्हें अच्छे से नींद आती है तुम्हारी तो नींद फिट जानी चाहिए तुम्हें कितने बड़े बड़े काम करने हैं मैं पूजाधारी दुर्गा हूं शेर पर सवार दुर्गा हूं और थोड़ा दूर दूर चलना ठीक है ना <laughs> अंग से अंग ना लगे दूर हो जाओ अभी भी जो बैठे अंग से अंग न लगे स्पर्श लगते ही प्रकंपन आते हैं योगी अकेला ही बैठता है हमारे ओपड़ी में जैन साध्वी आती है यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर है तो वो जैन साधविया नीचे से पैदल आती है पीछे के रास्ते से कभी आबू रोड से तो उनको कुछ कुछ तकलीफें होती है तो दिखाने आती है रहती है दस दिन रहती है पंद्रह दिन रहती है कभी उनका मौन होता है तो एक व्यक्ति उनके साथ आता है जो कंप्लेंट बताएगा पर उनका ऐसा नियम होता है कि वो आती है तो कई बार खड़ी रहती है हम उनको कहते हैं बैठो तो नहीं हाँ पुरुष बैठा था बैठती नहीं है वाइब्रेशंस ऐसे नहीं बैठ जाती है कहीं पर उनके नियम बहुत पक्के हैं। एडमिट भी होती है तो कई बार हमने देखा जब एडमिट होती है बिस्तर पर नहीं नीचे सोते उनके बहुत सारे नियम होते हैं तो वो अपनी धारणाओं पर कितने पक्के हैं। बाल निकालते हैं अपने हाथों से एक एक जोर से कैची यूज नहीं कर सकते अष्ट और इष्ट बारहवीं या चौदहवीं पॉइंट संतरी दादी ने सुबह सुना ना क्लास में गो सुन कम सुन दादी बाबा ने शरीर छोड़ा अपने कमरे में मम्मा ने शरीर छोड़ा अपने कमरे में न हॉस्पिटल न लाइन ट्यूब ड्रेन ट्यूब्स वेंटिलेटर कुछ नहीं संतरी दादी ने शरीर छोड़ा जशोदा मैया ने शरीर छोड़ा मुरली सुनते सुनते बाबा ने कहा अच्छा है एवर रेडी हो या जिज्ञासु याद आएगा या सेवा केंद्र याद आएगा कोई याद नहीं आया एक माता भट्टी के लिए आई थी भट्टी करते करते ही शांति स्तंभ पर शरीर छोड़ दिया था हॉस्पिटल आए लेकर ब्रॉड डेड तो बाबा ने क्या कहा एवरडी है कुछ भी जमा करके नहीं रखो नथिंग डू नॉट एक्यूमुलेट एनीथिंग ये सेवा करूँ वो करूँ ये करूं इधर जाऊं उधर जाऊं ये सब ठीक है परंतु अंदर से स्थिति अनासक्त बाबा ने अपना भी उदाहरण दिया है ना बाबा कैसे पकड़ लेते थे चीजों को कोई पत्र कोई पोता मेल कहाँ गलती है और कहाँ करेक्शन देनी है वैसे बाबा भी देखते रहते हैं चेकिंग करते रहते हैं बाबा को ये काम नहीं है कि एक एक का चेक करें का पता कर सकते हैं कई भाई बहनों ने यह भी कहा है कि बाबा में लास्ट सिक्स मंथ्स थॉट रीडिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी थॉट रीडिंग कोई आता था अपनी समस्या लेकर इससे पहले कि वो समस्या बताता बाबा उसकी समस्या भी बता देते दे थे और उत्तर भी दे देते दे थे दोनों चीज़ें उनको आश्चर्य लगता था बाप तो कहते हैं कि मैं थॉट रीडर नहीं हूं फिर ये कैसे तो उसके पीछे सूक्ष्म फिलॉसफी ये है कि जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है प्योर होती जाती है शरीर से डिटैच रहने लगती है उसमें ये सारी सिद्धियां प्रकट होने लगती है अपने आप ऑटोमेटिक तो चौदावा एवर रेडी पंद्रह और सोलह पार्टियों से मुलाकात पंद्रह पार्टी नंबर वन क्या कहा, कहा से आए हो पंजाब दिल्ली ग्रुप आदि स्थान से आए हो आदि स्थिति में भी आदि रतन हो स्थिति में भी क्या हो आदि रतन क्योंकि आदि स्थान से आए हो और आदि रतन अर्थात श्रीमत में आदि होकर चलने वाले इसमें कोटों में कोई ही चलते हैं परंतु जो इसमें चलते हैं उन्हें रूहानी नशा चढ़ता है और जिनके पास रूहानी नशा है वो माया के नशे से छूट जाते हैं और माया का कौन सा नशा है पहनना खाना देखना फूड क्लोथ्स साइट ये देखो वो देखो माउंट में देखने जैसा क्या क्या है तपस्या करने आए थे या साइट करने आए थे वैराग अर्थात महल में भी खंडर को देख लेना ये पहनू वो पहनू ये खाऊं वो खाऊं, पहले मैं जो पहल करता है उसे पदम मिलते हैं तो इसमें पहले करो माया के वश होने में नहीं तो पंद्रहवीं पॉइंट नशा कौन सा नशा रूहानी नशा और लास्ट पार्टी नंबर दो कहां से आयो महाराष्ट्र एमपी कहाँ कहां से आयो गुजरात ओरिजिनल घर कौन सा है ओरिजिनल स्थान कौन सा है मधुबन काम क्या करते हो गवर्नमेंट सर्वेंट फैक्ट्री या गृहस्थी में हो ईश्वरीय सेवा तो ओरिजिनल काम है ईश्वरीय सेवा ओरिजिनल घर है मधुबन इसको नहीं भूलना और क्या कहा यहां पर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है माता क्या कहती है हमारे घर वाले कैसे है <laughs> पक्के रावण तो बाबा ने क्या कहा क्या करो उनसे लड़ाई करो शुभ भावना शुभकामना की अंजलि तो ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत पावरफुल पॉइंट है और ये यहां तीन दिन करके जाना है यहां से कैसा भी हो परंतु शुभ भावना देना है क्योंकि तुम कौन हो दाता के बच्चे हो बाबा ने इतना खजाना दिया पर किसी ने लिया किसी ने यथाशक्ति लिया बाप कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा तो तुम कौन हो देने वाले अपना देवदाई ड्रेस क्या किया है धुलाई प्रेस सिलाई सब करके रखा हुआ है ना देना तो यहां बैठकर रोज अपने सारे लौकिक रिश्तेदारों को इमर्ज करो एक यहां बैठे उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो जिनके साथ हिसाब किताब चल रहा है यहां बैठे हुए उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो जिनके साथ हिसाब किताब अभी चालू नहीं हुआ होने वाला है फ्यूचर में यहां से जाते ही स्टेशन पर खड़े है या घर पे आ चुके हैं मेहमान बनकर क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा ना क्योंकि हमारा तो मोबाइल अभी बंद है ना तीन दिन तो कैसे पता चलेगा वो तो वहां जाने के बाद पता चलेगा शुभ भाव ना शुभ कामना देते जाओ देते जाओ देते जाओ बहुत बड़ा मंत्र है कोई कितना भी विरोधी हो कम से कम ये तो कहते ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा का तो नाम ले रहे पॉइंट नंबर वन फूलों की वर्षा मुझ पर हो रही है मैं तपस्वी आत्मा हूं दूसरा गीत गाए दिल में निरंतर गीत गाते रहो गीत गाते रहो गाते रहो गाते रहो तीसरा दीप बुझने पाए चौथा मैं कहा हूं दिल तख्त पर और अभी बैठो इसके बाद उतरना ही नहीं कभी उतरना ही नहीं दिल तख्त पर ही बैठ कर शरीर छोड़ देना अगर जरूरत पड़ी तो <laughs> अगर ऐसी बारी आई तो पर उतरना नहीं वहां से एक सूफी संत कहता है प्रभु तेरे दरवाजे पर आया हूँ तेरे दरबार पर आते आते एक्सीडेंट हो गया फ्रैक्चर हो गया अब यही रख लो कहां जाऊं जा नहीं सकता अगला पांचवा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता अव्यक्त व्यक्त नहीं अनमेनिफेस्ट छठवा बेहद का वैराग सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा एक रस एकांत एकाग्र एक का एक, एक बनना इकोनॉमी उसके एकाग्रता उसके बाद उसके बाद सर्व शक्तिवान हूँ उसके बाद अष्ट और इष्ट देवी हूँ उसके, उसके बाद उसके बाद एवर रेडी कभी भी शरीर छूट सकता है बाबा ने कहा हर एक का, का हिसाब अलग अलग है हर एक का हिसाब अलग अलग है उसके बाद में रूहानी नशा और लास्ट हम्म पक्के रावण को भी शुभ काम भावना शुभकामना ऐसे पक्के रावण को भी शुभ भावना शुभकामना देने वाली आत्माओं को ऐसे सर्वस्नेही आत्माओं को ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को ऐसे तपस्वी आत्माओं को ऐसे सिलाई धुलाई और प्रेस कर अपना कपड़ा देवताई ड्रेस सामे रखने वाली आत्माओं को ऐसे सर्वशक्तिवान आत्माओं को ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में शरीर छोड़ने शरी <laughs> <laughs> ऐसे एवरेडी आत्माओं को ऐसे इष्ट और अष्ट आत्माओं को ऐसे एक रस एकाग्र एकांत प्रिय एकनॉमी और एक नामी वाली आत्माओं को ऐसे ईश्वरीय सेवाधारी आत्माओं को ऐसे जिनका परमानेंट स्थान मधुबन है ऐसी आत्माओं को ऐसे रूहानी नशे वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे आदि रतन आत्माओं को ऐसे आदि स्थिति वाली आत्माओं को ऐसे श्रीमद पर आदि से चलने वाली आत्माओं को ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को ऐसे अंत में अंत में आकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को ऐसे योगयुक्त आत्माओं को ऐसे शस्त्रधारी आत्माओं को वरदान ऐसे ऐसे स्नेही आत्माओं को ऐसे अष्टरत्न हो गया ऐसे महान आत्मा ऐसे हफ्ते भर का नहीं सुना ना आज का सुनाना है नहीं तो रात भर चले <laughs> <laughs> वैरागी हो गया <laughs> तो ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते ओम शांति